नशे के सौदागरों पर नकेल कसने में जयगांव थाना पुलिस को नए साल के पहले दिन बड़ी सफलता मिली। जयगांव पुलिस ने सोमवार की शाम जयगांव बस स्टैंड इलाके से नशीली दवाओं के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के अनुसार पुलिस को गुप्त सूत्र से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अलग अलग वाहन बदल बदल कर फालाकाटा से मादक पदार्थ व नशीली दवाएं लेकर जयगांव आ रहा है। सूचना मिलने पर जयगांव थाना पुलिस जयगांव के विभिन्न इलाकों में पहुंची थी। पुलिस ने शाम करीब 5 बजे जयगांव बस स्टैंड इलाके में राजू सिंह नामक युवक के पास से नशीली दवाओं के 600 कैप्सूल बरामद किए। मालूम हो कि युवक बिहार पटना इलाके का रहने वाला है। जयगांव भक्ता चौपाटी इलाके में किराए के मकान में रहता है। जयगांव थाने के OCTN लामा ने बताया कि नशीली दवाओं के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ NDPS की धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। कल 1 जनवरी में हम लोग को एक खबर था कि एक आदमी जिसका नाम राजू शाह है, वो यहीं का बाशिंदा है, वो आपका भक्त चौपती का, तो इन्फॉर्मेशन था कि वो काफ़ी भारी मात्रा में कुछ ड्रग्स मटेरियल्स लेके आ रहा है वो लोकल सप्लाई करने के लिए। तो मेरा टीम ने उस पर वर्कआउट किया और कल शाम करीब 5 बजे उसको बस स्टैंड में उसको उधर अप्रिहेंड किया गया। तो ड्यूरिंग सर्च एंड सीजर उसके पोजीशन से काफ़ी मात्रा में आपको वो स्पैज्मो टैबलेट्स बरामद हुआ है, करीब 3600 टैबलेट्स कैप्सूल्स बरामद हुआ है और उसके पोजीशन से। तो हम लोग ने उसके तो उसी हिसाब से हम लोग ने NDPS केस स्टार्ट किया गया और आज उसको हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं, हम लोग रिमांड में लाएंगे। इसमें कौन कौन इन्वॉल्व्ड है, अभी कहाँ से लाया या फिर उसका फर्दर डिस्ट्रीब्यूटर्स लोग कौन कौन है, ये सब जानने के लिए रिमांड में आएगा। उसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन चलता रहेगा, हम लोग आप लोग को अपडेट दे देंगे। अच्छा, जैसा कि पिछले कुछ दिनों से देखने में आया था कि जयगांव पुलिस का ये लगातार अभियान चलाया जा रहा है और पिछले कुछ ही दिनों में काफी संख्या में ऐसे तस्करों को पकड़ा गया जो इस तरीके से गतिविधियों में शामिल थे, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसे भी जयगांव एक बॉर्डर एरिया, मतलब भूटान के साथ एकदम बॉर्डर एरिया होने के कारण इधर ड्रग्स का प्रभाव काफ़ी भारी मात्रा में, तो हम लोग पुलिस की तरफ से हम लोग चेष्टा कर रहे हैं, एक प्रयास किए जा रहे हैं कि कितना हम लोग पकड़ सके, जितना भी यहाँ पे पेडलर्स लोग हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स लोग हैं, उन लोग के खिलाफ एक कानूनी कार्रवाई कर सके हम लोग। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारा ऑपरेशन में हम लोग को सफलता नहीं मिलता, ऐसा नहीं कि सिर्फ हर एक ऑपरेशन में हम लोग को सफलता मिलता है, ऐसा भी नहीं है। हम लोग मान लीजिए कि ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ या फिर एक दिन ही हम लोग रेड करेंगे, महीने में एक बार रेड करेंगे, ऐसा भी नहीं है। रेड एक्चुअली हम लोग का डेली चलता है, लेकिन कभी कभार इन्फॉर्मेशन में फेल खा जाता है या फिर उन लोग को पहले से मालूम पड़ जाता है, जिसकी वजह से हम लोग को उन लोग का जो पास जो पोजिशन होता है वो हम लोग को नहीं मिलता। लेकिन फिर भी जितना भी पेडलर्स लोग हैं हम लोग का रेडार में है, हम लोग चेष्टा कर रहे हैं कि जगहों को जितना भी हो सके ड्रग्स फ्री एक बनाने का, एक जगह बनाने का एक हम लोग एक विजन है, हम लोग का डिस्ट्रिक्ट पुलिस का एक विजन है, तो प्रयास हम लोग का चलता रहेगा, आने वाले दिन में भी चलता रहेगा, देखते हैं कितना तक सफल मिलता है। जगहों को आम लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आम लोगों के लिए अभी फिलहाल यही संदेश है, स्पेशली यूथ लोगों के लिए कि स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स। ये सब हो सकता है कि कोई आप लोग को बोले कि ये खाने से बहुत अच्छा एक होगा, जितना भी दुख दर्द है आप भूल जाएंगे, ये सब हैं तेन, लेकिन ये लेने के बाद आपका घर का परिवार, आप खुद भी बहुत दुख में रहेंगे। तो मैं जितना भी आने वाला पीढ़ी है और जितना भी यूथ लोग हैं स्पेशली, मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग भी थोड़ा ये ड्रग्स को लेके आप लोग भी कैंपेनिंग करें, घर घर में करें, हम लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे, हम लोग की तरफ से जितना हो सके हम लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे। ड्रग्स अवेयरनेस प्रोग्राम का फिलहाल हम लोग कुछ सोचे हैं, अभी आने वाले दिन में एक अच्छा अच्छा बड़ा प्रोग्राम करेंगे हम लोग ड्रग्स अवेयरनेस में, तो आशा करते हैं आप लोग सब पार्टिसिपेट करेंगे। यही है फिलहाल मेरा सभी को, मतलब जयगांव, स्पेशली जयगांव वासी लोग का और यूथ के लिए एक मैसेज अभी फिलहाल यही कि स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स।